हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद किटी। तो आज सुबह थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो सोची बच्चों के लिए आज टिफ़िन में क्या देना है। तो लेफ़्ट ओवर राइस थोड़ा बचा था और एक पैकेट मशरूम था, तो इसी से एक बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ एक पैन ले लीजिए, एक चम्मच ऑयल, एक चम्मच बटर डाल लीजिए, थोड़े से गार्लिक चॉप करके और दो हरी मिर्च को काट के डाल लीजिए। इसे अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी बारीक काट के इसमें डाल लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही इसे हमें सॉटे कर लेना है। ये मशरूम आधा कप था, इसे मैंने पूरा धो के काट के अच्छे से इसमें डाल लिया है। इसे 2 मिनट के लिए आप लो मीडियम फ्लेम में ढक के पका लीजिए। इस स्टेज में हमें अभी नमक नहीं डालना है, पानी ऑब्जॉर्ब होने तक का वेट करना है थोड़ा। देखिए पानी ऑब्जॉर्ब हो गया, आप नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें। इसे अच्छे से हमें 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। लो मीडियम फ्लेम में ही सारे प्रोसेस करिएगा। तो देखिए हमारा मशरूम बन के एकदम परफेक्ट से रेडी है। तो यहाँ एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर, इसे डाल के अच्छे से स्टर कर लीजिए। ये आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, इसे भी डाल के मिला दीजिए। ये लेफ्ट ओवर राइस है, इसे डाल के आप अच्छे से स्टर दे दीजिए। अब लास्ट में इसे हमें ढक के 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ हमारा मशरूम पेपर फ्राइड राइस बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाइए, टेस्ट अच्छा रहता है। तो आज मैंने यही दिया था बच्चों को टिफ़िन में, फ्रूट में बनाना दिया था। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद किटी।